महाराज सिसोदिया वन सदैव से ही खानाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता आया है, तो फिर आप गोपी को मेवाड़ के भिन्नता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्या आए हैं? महाराज हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंग चेतक उन विदेशियों का सामना किस प्रकार कर सकती है? इसके लिए आवश्यक है हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें, और वह केंद्र है चित्तौड़। इसमें भी कोई संदेह है महाराज? चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लखा चाहते है आज भी उसी तरह रहे, और बूंदी राज्य भी तो सदा से ही मेवाड़ के आश्रित रहा है। या तुम क्या कहते भैसन थे? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह शक्ति हो चाहे वह मेवाड़ के महाराणा हो। महाराज आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की अत्यंत आवश्यकता है, और जो व्यक्ति माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लखा। ताकत की बात छोड़ा वैसे, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत का नाज है। इतने बड़े स्तंभ को मेवाड़ अपने पड़ों में दे, इसलिए उसका कल्याण है। रह गई एक बात, एक माला की गुफ जाने की, सो माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। किंतु महाराज अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। देव का अनुशासन बनाने का हालांकि तैयार है, सख्त की नहीं। मेवाड़ के महाराणा यदि अपने ही जात भाइयों पर तलवार जमाने की इच्छा है तो कोई नहीं रह सकता। ब्रिटिश स्वतंत्र राज है, और वह स्वतंत्र रहकर महाराणा का आदर करता नहीं है, उसी का भेद होता, उसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। तो मैं जाऊँ आपकी इच्छा बहुत जरूरी बाजार हर में। अरे ना घूमत दी में कहा बाजार डिस्टर्ब करता है। वीडियो तो नहीं बना होगा भला। जी जी थैंक यू। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने जो कलंक का टीका लगाया है, उसमें जिस प्रकार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हमें पराजित और विफल किया है, उसमें आप गौरव को कितनी ठेस पहुंची होगी मेरा हृदय जानता है। महाराणा की जय हो। कैसे आना हुआ भय सिंह? महाराणा दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी यात्रा मुझे धिक्कार रही है। पापा रावल और बरबीर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो वह प्राणरूप है, भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। किंतु महाराणा जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं?
आराव ने तो रात के समय हमारे सिर पर आक्रमण किया था और उस आकस्मिक दावे से घबराकर हमारी सेना भाग खड़ी हुई। इतने पर भी आप अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आराव से चुनौती लेने के लिए चले गए। हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए, तो इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? जिसकी खाल मोटी होती है उसको किसी भी बात में आपसे कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को अपने प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वह पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, यह कैसी उपहासजनक बात है? सुनो वैसे मैं अपने इस मस्तक के कलंक के टीके को डालना चाहता हूँ। महाराणा, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की आहुति देने को प्रस्तुत है। उनके पर उसके परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। मैं महाराव और पप्पा का वंशज लाखा या प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं बूदी में ससैन प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराणा, छोटे से बूंदीगढ़ को विजय करने के लिए आप इतनी भीषण प्रतिज्ञा क्यों करते हैं? आराव को तो उनकी धृष्टता के लिए दंडित किया ही जाएगा, किंतु हारा कितने वीर है, युद्ध करने में वे यमराज से नहीं डरते, इसमें संदेह नहीं। अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता इसमें कितने दिन लग जाएंगे, अतः आप ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ना करें। आप क्या कहते हैं? आपने कभी सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को वापस ली हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन की मूल मंत्र है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़ गई हो तथा उसे छोड़ दिया जाए तो बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा करना इसे पूरी होगी यह मैं जानता हूँ, किंतु इस युद्ध के हाल में यह पुष्ट हो चुकी है कि हाराजात हमसे वीरता में किसी प्रकार ही नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, यह पूर्ण होनी ही चाहिए। कुछ गा रही थी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की शिखला में बांध कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी। आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सभी को विश्वास है, मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ। यदि समय के फेरे से हरा शक्ति और साधना के मेवा उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ के विपत्ति के दिनों में वो सहायता दे रहे हैं। यदि उनसे कोई घृणा बन पड़ी हो महाराणा, आप उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों के स्रोत के संबंध को बनाए रखें।
चारणी तुम बहुत देर से आई। चारणी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के घर को जीत ना ले अन्न और जल का ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्भाग्य है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी सुख चिंता इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी होनी ही चाहिए। उसका अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु महाराजात को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं होगा। वैसे नकली दुर्ग बनाने का प्रबंध किया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराणा। जो मैंने अपमान की वेदना में विवेक की प्रतिज्ञा कर डाली है उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। निश्चय ही महाराणा, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करते हैं। किंतु यह रण होगा किससे? कोई तो इस दुर्ग में हमारा पक्ष प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। हाँ महाराणा, खेल में भी कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है इस दुर्ग के भीतर अपने कुछ सैनिक रख दिए जाए जो हथियारों से हम पर छूछे वार करेंगे। कुछ समय तक ऐसा ही खेल खेला जाएगा, फिर इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। चलिए, मेरे बहादुर साथियों, क्या तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। और क्या तुम जानते हो कि महाराणा इस घर को जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं? क्या हम अपने मातृभूमि का अपमान भूलने देंगे? क्या हम अपने वंश के मंदिर को मिट्टी में मिलने देंगे? किंतु सरदार, यह तो नकली बूंदी है। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हारा है वहां बूंदी का अपमान नहीं हो सकता। आज महाराणा देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रह जाएगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सियोधिया और हाराओं की खून से लाल हो जाएगी। सरदार, हम लोग तो महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, उनकी इच्छा में भी आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। सरदार, जब भी मेवाड़ के मान का प्रश्न आया है हमारी तलवार ने उनसे नमक का बदला दिया है, लेकिन जब भी बूंदी के मान
करेंगे और बूंदी की ओर से अपने प्राणों को बलि देंगे। निश्चय ही सरदार, जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हरा है और जहाँ पर हरा है वहाँ पर बूंदी है। कोई भी नकली बूंदी का अपमान नहीं कर सकता क्योंकि जन्मभूमि हमारे प्राणों से भी प्रिय है। मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपनी वंश की आभा को छीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों में रहते इस नगली दुर्ग पर मेवाड़ की राज पताका स्थापित न होने दोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। राइट मुझे दिया गया है ना, अलाउंस नहीं सुनी क्या? इस प्रकार से वीर सिंह अपने सैनिकों को लेकर नकली बूंदी के दुर्ग में प्रवेश करता है। अचूक निशानों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हमारी सेना पर गोले और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सेना उनके दावों से घबराकर भाग खड़ी हुई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। यह भी अच्छा हुआ कि इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही इस दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। किंतु सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीर प्राणों की रक्षा किसी प्रकार हो सकती है। हाँ महाराणा, मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा होती देखी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने सफेद झंडा दिखाकर कुछ क्षणों के लिए युद्ध को रोक दिया और मैं स्वयं उस दुर्ग के भीतर गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की और उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। किंतु उसने उत्तर दिया, महाराणा ने हाराओं को चुनौती दी है और हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर है। अगर महाराणा चाहे हमारे प्राण ले ले, किंतु जब तक मेवाड़ में एक भी हाड़ा है नकली बूंदी तो क्या असली बूंदी पर भी बूंदी की पताका फहराएगी। निश्चय इन वीरों की जन्मभूमि आदर भाषरानी है, किंतु मैं यह जानता हूँ कि इन वीरों की प्राणों की रक्षा अब किसी का नहीं हो सकती। इनने बहुमूल्य प्राणों को लेकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। अरे देखो मैं सिंह, उस दुर्ग के दरार में खड़ा वीर सिंह अकेला ही कैसे बार वर्षा कर रहा है, हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी धन्य है वीर, धन्य है माँ जिसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वो जहाँ से सिंह पैदा होते हैं। अरे देखो वह सिंह, गोले के बाद से वीर सिंह के प्राण फिर उड़ गए।
का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी आपकी इच्छा महाराणा। नहीं उधर रही होगी अपने अपने सिर के कलंक के टीके को ढोलिया। वह देखिए मेवाड़ के सेनापति विजय के दुर्ग पर झंडा फहरा रहे हैं। वह सुनिए मेवाड़ की सेनाओं में विजय की धुनूबी बज रही है। चारी तुम क्यों पश्चाताप प्राणों को और दुखी करती हो। न जाने कि शायद में पढ़कर मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का हट किया। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए, मेरे आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं जानता हूं कि ऐसे वीर जात को अपने अधीन करना पागलपन है। तो क्या महाराणा मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं है? और इस वीर सिंह के शव का एक श्रद्धांजलि देखिए। बलिदानी जो है मातृभूमि के लिए कुर्बान होता है। आप लोग जोरदार तालियों से इस मातृभूमि के मान का सम्मान करिए। और ये जो नाटक है ये मातृभूमि की सेवा के लिए, माँ की आराधना के लिए, परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने के लिए एक सुंदर सा संदेश है। आइए और इसके बाद एक सुंदर सा नृत्य देखते हैं। एक सुंदर नृत्य तेरी मिट्टी में मिल जावा। इस नृत्य को आप देखें। चारणी हमें शहीद अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत इस दुर्घटना को भूल सकेगा? क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने का सकता थे कि हम राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा, सब देश चांद वंश के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने स्वजनों पर न उठनी चाहिए। बुद्धि के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सौदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे दूसरे से शक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जात की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं।